नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। धार, सोमवार को धार में भी सेंचुरी में कार्यरत श्रमिकों के परिवार एवं अधिवक्ताओं द्वारा डिप्टी कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। बिरला समूह के खरगोन जिले में स्थित सेंचुरी रेयान और डेनिम मिल के आंदोलनरत मजदूरों के आंदोलन के 1371 दिन पूर्ण हो चुके हैं। मिल प्रबंधन जबरिया तरीके से मजदूरों और कर्मचारियों को BRS दे रहा है, जो ना तो नियमानुसार है और ना ही प्रदेश के हित में। मजदूर श्रमिक जनता संघ के नेतृत्व में लगातार आंदोलन कर रही है। इसी सिलसिले में पूरे मध्य प्रदेश में विभिन्न संगठनों ने जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर मांग की है कि श्रमिक और प्रबंधन विवाद में मध्य प्रदेश सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे और बहुसंख्यक मजदूरों की मांग को पूरा करते हुए मिल चलाए। इस दौरान पवन पवार, गौरव जोशी, आयुष निगम, साजिद हुसैन, अभिषेक तिवारी, अनवर खान, महेंद्र नरवर, हेमंत पाटीदार, अजय चावड़ा, सलमान पटेल आदि भी शामिल रहे। इस प्रकार है कि 2018 में सेंचुरी टेक्सटाइल मिल्स द्वारा वेरियड ग्लोबल को बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट किया गया था। 2018 में ही इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने तीनों ने इस बिक्री को अवैध माना। उसके बाद में सेंचुरी टेक्सटाइल को ही मालिक मानते हुए सभी मजदूरों की तनख्वाह चालू करी और कंपनी चलाने का आदेश दिया। लेकिन वापस से एक महीने पहले सेंचुरी ने वापस से एक अनुबंध बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट मंजीत ग्लोबल सेंधवा के साथ में किया, जिसकी एग्रीमेंट की कॉपी किसी भी मजदूर को नहीं दी जा रही और उनसे ज़बरदस्ती VRS लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मामला हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट में फाइनल बहस हो गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजय पारिक जी आए थे। उनके द्वारा सारी चीज़ें घटनाक्रम बताया गया है और उसका फाइनल ऑर्डर कभी भी आ सकता है। तो हमारा शासन से ये निवेदन है, मुख्यमंत्री से ये निवेदन है कि जब तक हाईकोर्ट का आदेश नहीं आ जाता तब तक किसी भी प्रकार की प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करी जाए और कंपनी को ये निर्देशित किया जाए कि मामला सब जुड़ी से आप अभी किसी भी प्रकार का कोई अवैध कार्य ना करें। खबर समय जगत के लिए धार से अल्ताफ खान की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।